नमस्कार, कैसे हैं सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और परीक्षा प्लस के साथ अपनी तैयारी दिन प्रतिदिन बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। आज हम फिर से प्रतिशत का क्वेश्चन सेशन लेके आए हैं, क्वेश्चन सेशन 3, जिसमें हम और भी बहुत बेहतर बेहतर प्रश्नों को कंपैरिजन के एक लेवल को यहाँ पे सीखेंगे। हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले इसी 5 क्लासों में दे दिया है आपको। वहाँ पे अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाके परसेंटेज यानी प्रतिशत चैप्टर का सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा ये क्वेश्चन करने में। अभी हम क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है वो आसान क्वेश्चन का सिलेक्शन कर रहे हैं, ताकि उन बच्चों को जिन्हें लगता है कि मैथ्स बहुत टफ है, मैथ्स बहुत मुश्किल है, उन्हें दिक्कत ना पड़े। तो इसकी शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि ये जो पूरा बैच चल रहा है ये 10+ कोर्स के अंतर्गत चल रहा है, जिसमें आपको कम से कम 10 कोर्स के सिलेबस कवर कराए जा रहे हैं, जिसमें आपके सारे UP SSC के, चाहे जेल वार्डर UP बोर्ड के, पुलिस बोर्ड के जेल वार्डर हो, चाहे UP SSC का आपका लेखपाल लगा हुआ है, लोअर मेंस लगा हुआ है, UPSI उधर लगा हुआ है, या आपका कुछ GS+ जैसे ऐसे क्लासेस जो आपके UPSC के कुछ एग्जाम्स के बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। तो ये पूरा ऐसे 10 कोर्स सम्मिलित हैं और इनमें सारी चीज़ें आपको निःशुल्क दी जा रही हैं। पूरे के पूरे वीडियो PDF पाने के लिए आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना होता है, जो आपका 499 रुपए का है। इसके अंतर्गत ये फायदे का पूरा डील है। जितनी संस्था द्वारा PDF होती है वो सब आपको मिलती रहती हैं, जैसे मैथ्स के प्रैक्टिस सेट हुए, प्रैक्टिस बुक हुई, बाकी GS के कंटेंट हुए, या और भी अदर सब्जेक्ट के जैसे ग्रामीण परिवेश वगैरह के, हिंदी के आपके जो कंटेंट होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं आपको लगातार 3 महीने तक। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस सेशन का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत आराम से चलेंगे। वो बच्चे जो लगता है कि मैथ थोड़ा उनकी कमज़ोर है, उनके लिए स्पेशल सेशन है। उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर कुछ ऐसा पढ़ाइए कि एकदम जीरो से सब कुछ पे आए, तो ये जीरो से एडवांस लेवल तक की क्लास है। अभी हम बहुत आसान आसान क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, कहने का मतलब कि हमें बेसिक को समझना है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता रहेगा, आपको इसका उत्तर देते रहना है। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ लिए हो, जैसी बातें ये सब क्वेश्चन लगता चला जाएगा आपसे, या इससे पहले जो क्लासेस किए हो वो भी बहुत आराम से लगा लोगे। जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दूं मैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, जैसे जैसे समझ में आएगा लगते चला जाएगा। क्वेश्चन अगर आपसे लगता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग कमजोर है, आपको मैथ नहीं आएगी। इसका मतलब बस इतना है कि हो सकता है कि आपने कभी वो मेहनत नहीं की हुई, जिसका मौका अभी मिला है, अभी कर लीजिए तो सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। पूरी क्लास हमारी सेलेक्शन पे ज़्यादा बेस होती है कि कैसे हम सेलेक्ट लूँ, कैसे हम अपना यहाँ पे सेलेक्शन लें। उसके लिए हम कैलकुलेशन कैसे देखें, हम बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे देखें, कहाँ पे समय बचा सकते हैं, हमारा टेम्परामेंट क्या होना चाहिए, हमारे सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, और वो तमाम सारी बातें हम इस पूरी क्लास में सीखते हैं। तो ये क्लास फाउंडेशन क्लास है, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। तो क्वेश्चन का स्क्रीन आपके स्क्रीन में आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए, और जो बच्चे नए हों, जो बच्चे जुड़ गए हों, वो सेशन को कृपया लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, आप बोलते हो कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है। और सबसे अच्छी बात जब आप बोलते हो ना कि समझ में आ रहा है, तो लगता है नहीं यार, अपनी जो मेहनत है ना वो सही दिशा में जा रही है। तो ऐसे ही आप कमेंट के माध्यम से, लाइव सेशन में, या अलग टेस्टिमोनियल के माध्यम से आप हमें बताए रहा करो कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और हमें ऐसे ही सेशन चाहिए, चाहे जिस सब्जेक्ट के हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के पहले क्लास में बताया था कि कंपैरिजन पूरे मैथ में, अर्थमेटिक में आपको करना क्या है, अल्टीमेटली कंपैरिजन करना है, और वो कंपैरिजन ही यहाँ पे है दो समान राशियों की। यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज को रियल वैल्यू से हम कैसे कंपेयर कर लेंगे, वहाँ पे इसी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अब समझिएगा, बोले किसी विद्यालय में, विद्यालय है तो ये मान के चलिए आपका विद्यालय है, विद्यालय में बोले कि 60% जो है वो कौन है, लड़के हैं, कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं। अभी एक बात बताइए, अगर 60% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो 100% में से 60% लड़के हैं तो 40% कौन होंगी, लड़कियां होंगी। इतनी बात आपको क्लियर है, समझ में आ रही है बात, बताते चलिएगा कमेंट बॉक्स में, बताते चलिएगा। अगर समझ में आएगा तो बताते चलो, यस सर समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही तो बताओ नहीं समझ में आ रही है, हम यहाँ पे पूरा जतन आपका करेंगे। तो ये बॉयज आपके 60% है, गर्ल आपके कितने हैं, 40% है। अब क्या बोल रहे हैं, लड़कियों की संख्या 972 है। समझिएगा,
इस पूरे क्वेश्चन में आपको दो जगह दिमाग लगाना है। कहाँ दिमाग लगाना है? उसने लड़कों की संख्या दिया लेकिन जो रियल वैल्यू दिया वो लड़कियों का दिया, तो हम लड़कों का इससे कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर करेंगे तो लड़कियों के परसेंटेज को लड़कियों के रियल नंबर से, समान राशियों का, आम का इमली से नहीं, आम का आम से ही करेंगे। लड़का का लड़के से कंपेयर करेंगे और लड़की का लड़की से कंपेयर करेंगे। तो अगर लड़के का संख्या 60% है तो लड़की का 40% है, और बोले लड़कियों की संख्या 472 है, तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि भैया क्वेश्चन के 40% बराबर 972 है, 972, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, वो किसकी बात पूछ रहा है, 60% की। कहने का मतलब हम मैथ की भाषा में देखें तो बोल रहे 40% बराबर अगर 972 हो तो 60% बराबर क्या होगा। तो ये तो आप पहली क्लास से सीखते आए हो, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। बता दो मुझे फटाक से इसका उत्तर क्या आएगा, 972 बटे 40 गुणे 60। जब भी हम ऐसा प्रोसेस करते हैं तो ये वाली चीजें नीचे आ जाती हैं और इसका गुणा हो जाता है, इसे बोलते हैं एक नियम। 40 से 972 तो 1 का 972 बटे 40, तो 60 का 972 बटे 40 गुणे 60। यूनिटरी मेथड बहुत सारे सिलेबस में लिख भी देते हैं कि यूनिटरी मेथड पे क्वेश्चन आएंगे, और कोई भी एग्जाम हो, वो चाहे यूपी TSSC का हो, वो चाहे अन्य राज्य स्तरीय कोई हो, या किसी और राज्य का हो, या केंद्र स्तर का कोई भी परीक्षा हो, ये नियम मैथ का बहुत ही ज्यादा कामयाब है और हमेशा पूछा जाता है इस पे प्रश्न। तो ये 0 0 कट गया, ये 2 3 6, 2 2 4, और इसे अगर हम कट करेंगे तो 2 4 8 17, 2 8 16, 2 6 12, 286 × 3, इसका अगर हम गुणा कर लें तो 6 3 18, 8 3 24, 1 25, 4 3 12, 2 1458 आपका उत्तर आ जाएगा। हम देखते हैं 1458 है क्या कहीं, हाँ आपका है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आया, आगे बढ़ा जाए, बताते रहो आगे बढ़े या ना बढ़े। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, वो फटाक से इसका उत्तर दे। हम 4-5 सेकंड वेट कर लेंगे आपका, ताकि एक बात और बहुत जरूरी है, जब आप मैथ्स पढ़ने बैठो खासकर मेरी क्लास, तो आपके सामने एक पेन होनी चाहिए, एक नोटबुक होना चाहिए, और आप कम से कम लेट के मत पढ़ो, बैठ के पढ़ो। क्योंकि जब आप ज़्यादा एक्टिव रहेगा दिमाग आपका, ज़्यादा आप एक्टिव रहेगी बॉडी आपकी, तो आपको सीखने का तरीका भी बहुत अच्छा हो जाएगा, कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, और आपके सीखने के जो लेवल होगी, इफिशियंसी हो जाएगी, वो बढ़ जाती है, और आप जिंदगी में भूलोगे नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आने लगा है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 40% खर्च करता है, वह प्रतिमाह 1200 रुपया बचाता है, उसका व्यय प्रतिमाह रुपये में है। तो समझिएगा, 40% अगर खर्च करता है तो बचाता कितना है, ये इसका एक्सपेंडिचर है, ये उसका खर्च है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी भाई, वो कमा कितना रहा होगा, 100% इनकम जो होगी वो 100% होगी, उसमें से 40% खर्च कर दे रहा है तो बचेगा कितना, 60%। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां से केवल एक लाइन से हमने इतना कॉन्क्लूजन निकाल लिया, और इसी को कहते हैं थिंकिंग प्रोसेस, कि जैसे ही आप प्रश्न एग्जाम में पढ़ो, आपका दिमाग काम करने लगना चाहिए, आपका दिमाग चलने लगना चाहिए, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ऐसे पूछेगा, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, और आप जैसे ही प्रोसेस ये अपने आप से जब सवाल जवाब करोगे ना, तो ये अपने आप ही आपके दिमाग में आ जाएगा। और अगर इतना दिमाग में आ गया तो इस क्वेश्चन में कुछ रखा ही नहीं है। कैसे नहीं रखा है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च करता है, 40% खर्च कर दिया, प्रतिमाह 1200 रुपए बचाता है, बात कर रहा है खर्चे की और रियल वैल्यू दे रहा है बचाने की, तो रियल वैल्यू यहाँ की दिया है, यहाँ की बताओ जल्दी, यहाँ की दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, 1200। बात समझ में आ गई, पूछ कह रहे हैं उसका व्यय कितना है, 60% बराबर दिया है, 40% बराबर पूछ रहा है, तो अगर हम मैथ की भाषा में इसे देखें तो बोल रहा है 60% बराबर 1200, अब तो समझ में आ गया होगा, दिमाग चल रहा होगा ना आप लोगों का, 40% बराबर क्या, तो 40% बराबर हो जाएगा 1200 बटे 60 गुणे 40, और इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0 जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, 3 4 12, 400 × 2 यानी कितना आ जाएगा, 800 आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आसानी से आपने पता लगा लिया कि ऑप्शन डी ही सही उत्तर है। कैसे पता लगा लिया, दो कॉन्सेप्ट यूज हुआ, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ समझिएगा, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात आपने क्या निकाल लिया, कंपेयर कर लिया, और अगर ये दो चीज आपको समझ में आ गए तो प्रतिशत चैप्टर, प्रतिशत परसेंटेज चैप्टर आपके लिए एकदम इजी केक हो जाएगा, एकदम गाजर का हलवा हो जाएगा, कि आप एकदम बहुत मजे से सीखते चले जाओगे। बात क्लियर हो रही है, बताते चलो भाई, बहुत ही आत्मसंतुष्टि के साथ, एकाग्रता के साथ, दिमाग को
लगाए रहना है, कंसंट्रेशन एकदम बना के रखना है और मजा आते रहना चाहिए। अगर मजा ना आए तो फटाक से तुरंत बता दो, हम आपके मजा के लिए कोई तो व्यवस्था कर ही देंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, आप मेरी बात मत सुनो, आप उत्तर दो। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या? सेम क्वेश्चन है कि नहीं, आप बताओ मुझे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ही नहीं, क्वेश्चन बोलेगा, क्योंकि क्वेश्चन बोलता है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलते हैं कि 70% लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या क्या है? 510 है। अभी बात बताओ, कह रहा है लड़की की बात और वैल्यू किसकी दे रहा है? लड़कों की। तो फिर से दिमाग में लगेगा कि नहीं लगेगा? आप जान लो विद्यालय है और अगर विद्यालय में टोटल कितने होंगे विद्यार्थी, 100% ही तो, कोई भी चीज अपने आप में कितने होती है, 100% होती है। और बोले अगर इसमें 70% जो हैं वो लड़कियां हैं तो भाई लड़के कितने होंगे? 100 का 70% इधर और 30% क्या लड़के। एक बात बताओ, क्लास में या तो लड़के होंगे या तो लड़कियां होंगे, कुत्ता बिल्ली तो होंगे नहीं। तो लड़का लड़की की बात करो तो दोनों मिला वो 100 को पूरा होना चाहिए, तो 100 में 70 ये है तो 100 में 30 क्या है लड़के। बात समझ में आ गई? अब देखो वैल्यू किसकी दी हुई है, लड़कों की दी हुई है, बात क्लियर है? तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे जल्दी बताओ, ये आपको बताना है, गर्ल से कंपेयर करें बॉय से? बॉय से कंपेयर करेंगे भाई, क्योंकि लड़कों की बात कर रहा है। तो कितना दिया हुआ है? बोल रहा है 510। और पूछ क्या रहा है? ध्यान दीजिएगा, आपसे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जल्दबाजी में आप ध्यान नहीं देते हो, आप इसकी वैल्यू निकालोगे 70% की, जबकि ये पूछा ही नहीं है। एक जो सही लड़ाकू होता ना, योद्धा जो सही होता, लड़ाकू या बोले योद्धा बोले, या सही विद्यार्थी जो सिलेक्शन लेने वाला सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है, सबसे ज्यादा मान के चले कि जिसका पोटेंशियल सबसे अच्छा होता है, ऐसा स्टूडेंट, वो उसकी एक आदत होती है कि क्वेश्चन को पढ़ता बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये होता है, उससे ये बहुत साफ साफ दिखता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन तो समझ में आ गया लेकिन जब वो आंसर निकाल रहे होते हैं तो भूल जाते हैं अच्छा क्वेश्चन में पूछा क्या था। इतना खुश हो जाते हैं कि 30% बराबर निकाले, 70% बराबर निकाल के आ जाते हैं, कोई ऑप्शन मैच खा गया, बस गलत करके चले जाते हैं। नहीं, गलत नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें पता करना है। पूछ कह रहा है, बोले कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 100%। मैथ की भाषा में बता रहा है वो कि 30% बराबर 510 हो तो मेरे भाई 100% बराबर क्या होगा? और ये नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे क्योंकि आप होशियार हो चुके हो। इसकी वैल्यू होगी 510 बटे 30 गुणे 70। बोलो हाँ सही होगा कि नहीं होगा? गुणे 70 नहीं, गुणे 100, वही गलती करोगे जो मैं कर रहा हूं, गुणे 100 होगा क्योंकि 100% मांग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 17 51 होगा और 0 0 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा उत्तर, 1700 आपका सही उत्तर आ जाएगा। बताओ भाई बात क्लियर हुई कि नहीं? अरे भाई नहीं बहन भी बता दिया करो, गुस्साया मत करो, बताओ आया कि नहीं आया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या हम कर रहे हैं बार बार कंपेयर कर रहे हैं, थिंकिंग प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, हम उस वैल्यू को निकाल ले रहे हैं जो वो पूछ रहा है। हम दिमाग कहां लगा रहे हैं, हम उस दिमाग यहां पे लगा रहे हैं कि उस चीज को कंपेयर कर रहे हैं जिसकी वैल्यू दी हुई है। बात समझ में आ रहा है? लड़का को लड़का से, लड़की को लड़की से, ये बात अगर समझ में आ गई तो समझ लो कि ये पूरी क्लास समझ में आ गई। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आज मैंने सारे वो वर्ड प्रॉब्लम लेके आए हैं। इससे पहले क्या था, एक्सप्रेशन था, ए परसेंट ऑफ बी, बी परसेंट ऑफ ए, 70% ऑफ 20% ऑफ 110 बराबर इतना तो कितना, वो सारे चल रहे थे। आज हम क्या लेके आए, वर्ड प्रॉब्लम लेके आए हैं, जो क्वेश्चन आपका बेसिक ही होता है लेकिन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपके दिमाग को चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन रख देता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ भाई कर लोगे ना? तो यहाँ पे करते हैं, कैसे कर लोगे, जब मुझे बताओगे उत्तर तब तो जानूंगा कर लोगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और 7200 मतों से पराजित हो गया। बात समझ में आ गई? अब क्या बोला है, वैध मतों की कुल संख्या कितनी है, जो वैध मत है उनकी कुल संख्या पूछ रहा है। तो चुनाव है, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हम मान लेते हैं 2 उम्मीदवार हैं भैया, एक उम्मीदवार ये है, एक उम्मीदवार ये है। अब क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, तो एक को 38% मत मिल रहे हैं तो दूसरे को कितना मिलेगा भैया? टोटल जो वोट होगा वो कितना होगा, 100% होगा कि नहीं होगा? टोटल वोट 100% है, जिसमें एक को 38% मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेगा? आप यहाँ पे बोलो, 100 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा, 62 बचेगा कि नहीं बचेगा? बहुत आराम से बचेगा, यानी एक 38 पाएगा तो दूसरा 62 पाएगा। अब बोल रहा है कि 7200 मतों से पराजित हो गया, तो पराजित क्यों हो गया, क्योंकि ये किसे कम मिला है इससे, तो कितना कम मिला है हम देखेंगे, 62% में से 38% माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 24% आएगा कि नहीं आएगा?
ये बात क्लियर हुई। और ये जो 24% ये ज्यादा पा रहा है तभी तो जीत रहा है, इससे 7200 ज्यादा पा रहा है, या दूसरे शब्दों में 24% ज्यादा पा रहा है, तो हम बोलेंगे इस 24% बराबर क्या हो जाएगा 7200। मैं क्लास के बेसिक में बहुत अच्छे से समझाया हूं इस बात को, एकदम से आपको समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो वो क्लास जरूर देखिएगा, सबको समझ में आएगा। तो 24% बराबर 7200 हो जाएगा। कुल वैध मतों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल वैध मत कितने थे, कुल वैध मत 100% थे, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, 100% हो जाएगा 7200 बटे 24 गुणे 100, 24 3 72, 0 0 यानी कि उत्तर कितना आ जाएगा, 30,000 आपका उत्तर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, कहाँ पे है ये देखो, 30,000 आपका ऑप्शन सी है, क्लियर। आगे बढ़ा जाए, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखते हैं कौन यहाँ पे धरती पुत्र है, कौन यहाँ पे वीर है जो इसका उत्तर देता है, और जो उत्तर दे लिया समझ लो उसको क्लास समझ में आ गई। तो देखते हैं, कह रहे कि एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है। इतना तुच्छा क्वेश्चन और कोई हो सकता है क्या, इतना आसान क्वेश्चन इससे पहले आपको मिला था क्या, नहीं मिला होगा, इससे आसान तो कुछ ही नहीं हो सकता। लेकिन मैं बता दूं मेरे भाई, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जब एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन आता है तब क्यों मैथ आपसे नहीं आती, आ जानी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो देखते हैं, 40 में से अगर 24 जीता है तो जीतने का प्रतिशत पूछ रहा है, तो जीतने का प्रतिशत होता है जो है कितने में से, 40 में से, और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100 कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4 × 24 यानी कि 60%। यानी इस प्रश्न में केवल प्रतिशत निकालना था। मैंने बताया ना आपसे कि कोई भी एग्जाम होता है उसमें 30 से 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, इजी होते हैं, और ऐसे ही 30 से 35% 40% क्वेश्चन क्या होते हैं, टफ होते हैं, और 25 से 20% क्वेश्चन क्या होते हैं, सॉरी 30 से 35% मॉडरेट होते हैं और 25 से 20% टफ होते हैं। तो सिलेक्शन आपका यही करवाता है, टफ से सिलेक्शन नहीं होता, टफ से रैंक बनती है। अगर इतना कल ले गए तो इतने में ही रैंक बन जाएगी, अब जब टफ वाला भी कर लोगे तो टॉप मार जाओगे, बात समझ में आ रही है। तो इस पे फोकस होना है, हमें सिलेक्शन लेना है, हमें सामदान डंडवे सब लगा देना है, हमारी रणनीति इतनी जबरदस्त होनी चाहिए, हमारा टेम्परामेंट इतना जबरदस्त होना चाहिए, और हमारा बेसिक इतना क्लियर होना चाहिए कि दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी हो कि आपका सिलेक्शन रोक पाए। बात समझ में आ रही है, सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है, जोर से बोलो बताओ, सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है, तेज जहां भी बैठे हो, जिस भी मोड मुद्रा में बैठे हो, तुरंत बोलो हाँ सिलेक्शन लेना है, कि अगल बगल वाले जान जाए कि बच्चा पढ़ रहा है। बात समझ में आ गई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर वो कर लिए होगे तो ये क्वेश्चन तो पक्का कर लोगे। क्वेश्चन क्या है, 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ, कंटेनर में कितना तेल बचा है ये आपको बताना है। अब समझिएगा, 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हो रहा है, तो जो कंटेनर है वो कितना है, 400 लीटर है, इसमें 8% का नुकसान हो गया तो बचेगा कितना, 92% बचेगा कि नहीं बचेगा। अच्छा, 400 का 8% निकला तो 400 का 8% कितना होगा, 32 होगा, मैंने निकालना बताया था कि नहीं बताया था भाई, ये 400 है गुणे 8/100, ये 100 कट जाएगा, कितना आएगा 32, यानी 32 लीटर जो है वो आपका बह गया, 32 लीटर बह गया, तो 400 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 467। तो वही तो पूछ रहा है, कंटेनर में कितना तेल बचा है, तो कितना बचा है 367, सॉरी 400 में से अगर 32 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 368 आपका उत्तर आएगा, और यही सही हो जाएगा। बात क्लियर है, तो ये तरीका हमारा होना चाहिए करने का, बेसिक क्वेश्चन को हमें ढूंढना है पूरे पेपर में। आप जब एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम में जब कोई भी पेपर दे रहे हो, कोई भी परीक्षा हो, आप चाहे राज्य स्तर की दे रहे हो कोई UP SSC जैसे, या UPP जैसे कोई परीक्षा दे रहे हो उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड भर्ती बोर्ड का, या आप राज्य स्तरीय कोई परीक्षा अन्य दे रहे हो, या कोई केंद्र स्तरीय परीक्षा दे रहे हो, जहां पे भी मैथ्स पूछा जाता है, परीक्षा कोई भी हो, आपका जो करने का तरीका होना चाहिए ना, और मैथ्स से नहीं हर सब्जेक्ट में, सबसे पहले आप एक बार पूरा पेपर कर जाओ, और पेपर में क्या करो वो 30 से 40% जो आसान वाला है उसे कर जाओ, जब वो 30-40% आसान वाला पेपर सब कर लो तब आप दोबारा मॉडरेट वाला करो, और फिर दोबारा आप टफ वाला करो। अगर इस प्रोसेस से करोगे तो आपका समय भी बचेगा, टेम्परामेंट भी अच्छा रहेगा, और अगर ये दोनों चीज हो गई तो पढ़ के तो सब जाते हैं भैया, जितने लोग फॉर्म भरते हैं उसमें से कम से कम तो 20 से 30% लोग तो इसी मुद्रा में पढ़ते हैं, इसी मानसिकता के साथ पढ़ते हैं कि मुझे सिलेक्शन ले लेना है, तो भी सिलेक्शन 2% का क्यों होता है, क्योंकि बाकी उस 30% में से जो 28% होते ना उनका क्या होता है, दिमाग
टेम्परामेंट बेकार हो जाता है। तो आपको अगर दिमाग सही रहा, टेम्परामेंट कहने का मतलब सही रहा, प्रोसेसिंग आपके दिमाग की बहुत अच्छी रही, आप आसान क्वेश्चन को सही तरीके से, मॉडरेट क्वेश्चन को सही तरीके से करके आओगे, तो सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं पाएगा। तो यही सिलेक्शन का मूल मंत्र है। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, और जो बच्चा ये क्वेश्चन लगा देगा उसे समझ लो कि प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन भविष्य में फंसने वाला नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन वो लगा लेगा और बहुत ही अच्छे से लगा लेगा। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हम इसको देखते हैं, कोई जवाब देगा? चलो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं आपका, तब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपका जवाब आना चाहिए मुश्किल से 5 से 6 सेकंड में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। कहने का मतलब पहले जितना जूस था वो 35 दिन तक चलता था, उसकी मात्रा 40% बढ़ गई, तो अब कितने दिन तक चलेगा? मात्रा नहीं बढ़ी है, उसका प्रयोग 40% बढ़ा है। बात समझ में आ रही है? ऐसे गलती हो जाएगी एग्जाम में। 40% अगर उसका प्रयोग बढ़ जाएगा, सपोज करो पहले मान लो कि अगर पहले 100 लीटर एक दिन में खत्म होता था, 100 लीटर जूस एक दिन में लोग पी लेते थे, तो अब क्या होगा, 140 लीटर पी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये दिन ज्यादा होगा कि कम? पहले दिन में 100 लीटर पीते थे, अब दिन में 140 लीटर पी रहे, तो दिन कम ही चलेगा ना, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी जो है वो तो फिक्स है। यही बात, यही इसका बेसिक है। बेसिक क्या है? क्वांटिटी फिक्स है, और जब क्वांटिटी फिक्स होती है तो ध्यान करिए कि प्रतिशत के जब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो क्लास थ्री में मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वांटिटी फिक्स होती है तो क्या होता है, अगर 1% बढ़ रहा होता है तो दूसरी वैल्यू उतने ही कम हो रही होती है। तो समझिएगा, 1% 100% से कितना हो रहा है, 140% हो रहा है, क्योंकि मात्रा 40% बढ़ रही है। तो दूसरी जो मात्रा होगी वो क्या होगा, इसी के उल्टे अनुपात में हो जाएगी, मतलब वो 140 से 100 हो जाएगी। कहने का मतलब 14 से 10 हो जाएगी, कहने का मतलब 7 से 5 हो जाएगी। तो पहले कोई मात्रा अगर 7 थी तो अभी मात्रा क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यानी कि पहले मात्रा आपको पता थी 35, यानी 35 दिन तक चल रहा था, तो अभी कितना चलेगा, 7 से 35 आने में 5 का गुणा, तो 5 में भी 5 का गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 25, और हम देख ले ऑप्शन में कहीं दिया है, ये दिया है सही जवाब। मजा आया? बहुत ही बिंदास कॉन्सेप्ट है। फिर से अगर नहीं देखे हो तो लेक्चर देख के आओ, मैं फिर से बताता हूं, जब भी कोई चीज फिक्स होती है, क्या फिक्स अगर है, खासकर टोटल क्वांटिटी, ऐसे टाइप के, मैंने याद करो वो फूड और पल्प वाला कराया था, तरबूजे का पानी वाला क्वेश्चन इसी पे बेस था। तो जब टोटल क्वांटिटी फिक्स है भाई, यहाँ जितना भी रहो 35 दिन चलना है, हम कह रहे हैं 1000 लीटर है, समझ में आना चाहिए, या 3500 लीटर ले लें, 350 लीटर ले लें, आपको समझ में आना चाहिए ये क्या है। 350 लीटर है और 35 दिन चल रहा है, मतलब एक दिन में कितना, 10 लीटर खपत हो रहा होगा। अब वो 40% बढ़ गया है तो एक दिन में कितना खपत हो रहा होगा, 14, तो ये वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये तो 350 ही है, तो 350 बटे 14 करेंगे तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बस यही करना है कि जब कोई चीज फिक्स होती है तो अगर एक बढ़ रही है यहाँ पे 40% से, तो दूसरी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, तो यहां से कम होके, मतलब ये चीज अगर कम होगी तो 35 से कम आएगी, किस रेशियो में, इस रेशियो का उल्टा, ये 10 से 14 हुआ है तो ये 14 से 10 होगा, मतलब 7 से 5 होगा, और हमने वही प्रोसेस पूरा किया हुआ है। ये 100 से 140 तो ये 140 से 100, यानी 14 से 10, यानी 7 से 5, तो 7 बराबर 35, तो 5 बराबर 25। मजा आया? बात क्लियर हुई? तो ऐसे कॉन्सेप्ट अगर हम सीख लेंगे तो हवा में लगाएंगे, बिना पेन और बिना पेपर के क्वेश्चन लगाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। इस क्वेश्चन को देखते हैं, कौन बताएगा इसका जवाब, कौन है यहाँ पे धरती पुत्र, भारत का वीर, बताओ भाई। कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे, यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए कि उसने कितने सेब खाए। ये कौन सा क्वेश्चन, बेहुदा सा, पता नहीं क्या खाया बेचा कर रहा है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूछा है तो हमें उत्तर तो देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है, अभी देखो, उसने जितने खाए उससे 40% बेचे, मैं कह रहा हूं उसने 100% खाए, कोई भी चीज अपने आप में क्या 100%, तो उससे 40% अधिक बेचे, बेचा कितना,
140%, क्योंकि 40% अधिक बेच रहा है ना, 100 में 40 जोड़ेंगे कितना आएगा 140, 100 खाया 140 बेचा, बोल रहे बेचा कितना 70, तो इस 140 बराबर 70, तो इस 100 बराबर नहीं निकाल लोगे, यहां से ये आधा हो रहा है तो यहां से ये भी आधा होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 50, और 50 आपका उत्तर आ गया। मतलब इसमें कुछ सोचना पड़ा, कुछ करना पड़ा क्या? ये कुछ नहीं, इतना तीन लाइन का क्वेश्चन है, इसकी औकात दिखा दी हम लोग, क्या औकात दिखा दिए, एक लाइन में उत्तर निकाल दिए। हम तो एक लाइन में, हम तो हवा में निकाल देते, मन में लगा लेते, अगर और प्रैक्टिस होती तो आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के लिए भैया पीडीएफ वाला सब्सक्रिप्शन ले लो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें दिए जाते हैं, क्लास शीट दी जाती है, प्रैक्टिस शीट दी जाती है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, फिर उसे कंबाइन करके दिया जाता है, अलग से वर्कशीट दी जाएगी, सब कुछ वहां पर मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे तो आपको फायदा बहुत मिलने वाला है, आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, बाकी आप समझदार हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कारें बेची, इस वर्ष 51,300 कारें बेचने का लक्ष्य है, बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो बस ये तो सिंपल सा है, पहले ऐसे बहुत सारे डीआई में क्वेश्चन बन जाते हैं, 41,800 इस बार बेची है कार, अगली बार वो चार ये कंपनी की 51,300 बेच ले, 41,800 अभी बेची है, अगले वर्ष बेचना चाह रही है 51,300, तो बोल रहे प्रतिशत कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ा कितना है, यहां से यहां तक जाने में 300 में से 800 माइनस करो तो 500, यानी कि 9,500, कायदे से 9,500 बढ़ रही है, तो बढ़ोतरी हो रही है 9,500, कहां से 41,800, तो यहां पे आपका उत्तर क्या आ जाएगा, बढ़ोतरी 9,500 बटे 41,800 गुणे 100, और गुणे 100 करेंगे ये 0,0 काटेगा, 418 दुना 836, यानी दो बार तो जाएगा ही, हम गो थ्रू ऑप्शन चले जाएं, दो किसमें दिख रहा है पहले डिजिट पे, केवल डी में दिख रहा है, यही उत्तर आएगा, अप्रोक्स वैल्यू 22 ही आएगी, करके देख लीजिएगा। यहाँ पे हम समय बचाए, ये आपको तरीका आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे बच्चे क्या होंगे कि इस 9,500 को पूरा पूरा 418 काटेंगे, अरे काटने की क्या जरूरत है भैया, वो आपसे एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी पूछ रहे हैं, अब तो हेल्प करने के लिए चार ऑप्शन दिया है, तो जब ये चार ऑप्शन क्यों देता है, ताकि जो बुद्धिमान व्यक्ति हो, जो समझदार व्यक्ति हो, वो बिना कैलकुलेशन पूरा किए ही उत्तर लगा के चले आए, तो यहाँ पे आपका समय बचेगा, आप अगर गलत हुआ तो डबल समय जाएगा, तो इसलिए आप बुद्धिमान बनो, बात समझ में आया, ज्ञानी नहीं समझदार बनना है, और समझदारी किसमें है, रणनीति अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, समय बचाना हमें आना चाहिए, हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग, सोचने का तरीका, बेसिक सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए, एक लाइन में बोले तो साम दान दंडवेद सब कुछ लगा देना है सिलेक्शन लेने के लिए, बात समझ में आ रही है, तो ये करना है। चलिए फिर आते हैं, ये आपका बहुत पसंदीदा प्रश्न, चॉकलेट क्वेश्चन, तो चॉकलेट क्वेश्चन आपको करना है, ये आपके स्क्रीन पे है, ये आप उतार लीजिएगा, कर दीजिएगा, जो बच्चे थोड़ा सा भी समय हो तो यहीं पे दो, बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पे पता चलेगा कि आप जेन्युइनली दे रहे हो, किसी से बिना पूछे दे रहे हो, बिना कोई चीटिंग के दे रहे हो, और आप मेहनत कर रहे हो, और फिर भी नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, निराशा की कोई बात नहीं है, ये ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपके दिमाग के प्रोसेसिंग को और बढ़ाता है, तो जब भी आपसे लग जाए तो कमेंट बॉक्स में प्यारे से मैसेज के साथ, सर बहुत मजा आया, उसके आगे लिख देना कि इसका उत्तर क्या है चॉकलेट आंसर का, और उत्तर सभी से अपेक्षित है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, जो पुराना वाला हमारा चॉकलेट क्वेश्चन था, इसका उत्तर हम देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था, क्या था, बी का ए परसेंट प्लस ए का बी परसेंट बराबर क्या होगा, डैश दे दिया था, तो सिंपल सा है, मैंने का मतलब गुणा, और परसेंट नीचे हटेगा तो 100, तो ये बी ए बटे 100 लिखा है, और ये ए बी बटे 100 लिखा है, चाहे बी ए बोलो चाहे ए बी बोलो, दोनों तो मतलब गुणा ही हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 2AB बटे 100 ये लिखा हुआ है, तो क्या बोला, बी का 2A% हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बी गुणे 2A बटे 100 लिख सकते हैं कि नहीं सकते, बहुत आराम से, और बी गुणा मतलब क्या, का 2A, और नीचे से 100 हटाएंगे तो परसेंट ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी का 2A%, यानी यही आपका उत्तर सही हो जाएगा, तो कंफ्यूज करने के लिए ये केवल था। तो
ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे आ जाते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत बच्चों ने जवाब दिया और आपके जवाब पाके बहुत खुशी होती है कि आप साथ साथ में सीख रहे हो। खुशी तब और होगी जब आप सेशन को लाइक कर दिया करोगे और अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करोगे, और उससे भी ज्यादा खुशी डबल हो जाएगी जब आप सेशन को शेयर कर दिया करोगे, अपने दोस्तों को रेफर कर दिया करोगे, उन्हें चार दोस्तों को बताओगे कि हाँ यार यहाँ पे परीक्षा प्लस बहुत अच्छी क्लास कराता है, सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाए जाते हैं और सारे टीचर बहुत मेहनत करते हैं, तभी ज्यादा मजा आएगा। और उससे भी ज्यादा और मजा आएगा जब आपका परीक्षा प्लस के थ्रू सिलेक्शन हो जाएगा, और वो मजा और भी बढ़ जाएगा जब आप हमें लड्डू खिला दोगे। तो लड्डू खिलाना है, सिलेक्शन लेना है, ऐसे ही पढ़ते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।